कल ही होनी है पगड़ी की रस्म, तो पता ना क्या करना है। फिर से फोन नहीं करेंगे हम, एक बार समझा दिया ना बस। आपकी बहुत याद आती है, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है दादू पापा के लिए नई दुल्हन लिया, अगर वो मेरे पापा को मुझसे छीन लेगी तो मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी माँ। अगर आप यहाँ होते तो बिल्कुल भी नहीं होता, वो नई औरत इस घर में आती ही नहीं। प्लीज माँ, प्लीज आप वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। भगवान क्या करूं इसका मैं, दिन भर ज़बान चलती है इसकी और रात में पांव। दूसरों की नींद खराब कर कैसे आराम से सो रही है? ए झुमके उठो। अरे कभी तो ढंग से सोया करो, जब देखो तांडव करती रहती हो। कितनी जोर से चिल्ला रही, का तांडव, किधर तांडव चल रहा है? अरे बार बार लात मार रही हो हमको। अरे अरे फौरी जी फौरी, जानबूझ के तो करते नहीं है, ये हो जाता ना कभी कभी। कभी कभी रोज का नाटक है तुम्हारा, अगर तुम तरीके से नहीं सोने वाली ना, मैं इस कमरे में नहीं सोने वाला हूँ। अरे माफी मांग रहे ना, कब से मान जाइए ना। अच्छा आज के बाद जोर से लात नहीं मारेंगे? हाँ? मतलब मारोगी? मतलब मतलब नहीं मारेंगे, माफ कर दीजिए ना। समय कौन आ गया? हम देखते हैं, हम हाँ देखो, देख रहे देख रहे। राम, अरे भाई साहब, प्रताप यहाँ आइए। जी भाई सर। जरा बाहर आओ, उनसे बात करना है। चलिए। भाई पाप को प्रताप से आप क्या बात करनी है? प्रताप पिछले 4 महीनों का हिसाब देख रहे थे हम, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। खा भाई साहब, सब ठीक ही तो है, 1000-2000 रुपए का ही फर्क है। मुनीम जी बूढ़े हो रहे हैं तो गलती हो गया होगा, आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। नहीं प्रताप, मठ की राशि का हिसाब हमारा जिम्मेदारी है। अरे 2000 तो बहुत बड़ा रकम है, हम तो 1 रुपया इधर से उधर नहीं होने देंगे। कल ही जाके पता लगाते हैं कि 2000 रुपये गया कहाँ। जी जी भाई साहब। दिखाइए भाई साहब। बोलिए कब? ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए, जाइए। प्रताप। हाँ माँ। पगड़ी का रसम का सारा सामान ले लेना, कुछ भूलना मत। हाँ हाँ माँ, सब सामान ले लिया है, कुछ नहीं भूले हैं। अच्छा तुम निकलो तुम लोग, हाँ देर हो रहा है, वो सब लोग पहुंचना शुरू हो गए होंगे। निकलो निकलो, और वैसे भी परिवार का कोई तो होना चाहिए ना वहाँ। तुम लोग पहुंचो, हम लोग आ ही रहे। आइए कुछ, निकलो निकलो। चलिए आइए प्रताप। सारी तैयारी होगी? अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है, नजर ना लग जाए किसी की आपको। तुम्हें तो तारीफ करने की आदत है रिया, भाभी की लिपस्टिक का रंग देखा है, कितना फीका सा है। आपको ना इस साड़ी के साथ कोई गहरे रंग की लिपस्टिक लगानी चाहिए थी, ये ज्यादा अच्छी लगती। ये आशी तो कुछ भी बोलती है, उसकी बात मत सुनी। दाई माँ, सिप की गाड़ी में ताजा गोबर रखवाया कि नहीं? पूजा के लिए चाहिए होगा, कहाँ चली गई? बाहर गई है सामान लेकर, हम बुला लाते। नहीं नहीं सुनो, तुम ही गोबर ले लो, अब समय नहीं है हमारे पास, मठ भी पहुँचना है जल्दी। चलो 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 जाओ। ठीक है। अब आएगा मजा, बाहर जाने के लिए उसे आंगन की तरफ तो आना ही पड़ेगा।
अच्छा तो अब जेठानी जी ने माँ जी पर भी अपने अच्छेपन का जादू चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं आइफा होने नहीं दूंगी। हाँ। गोबर हम ले आते हैं, आपको नहीं मिलेगा। राधिका, राधिका रुको, हमें तुमसे बात करनी है। राधिका खोलो। मठाधीश के देहांत के बाद इस पगड़ी के हकदार शिव शिव भाई साहब ही हैं। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद रसांग पानी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते, ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। गांव वाले बहुत ही मानते हमारे शिव को, उतना ही प्यार और सम्मान करते जितना शिव के बापूजी का करते थे। बड़ी बेचैनी से इंतजार करते थे गांव वाले यही दिन के लिए। आज बहुत ही खुश है हमारे शिव को मठाधीश की पदवी मिल जाएगी। अब पूजा समाप्त हो गई, अब पगड़ी की रस्म पूरी करनी है। आप शिव जी की माता जी हैं, इसलिए पहला अधिकार आपको, पगड़ी लेके शिव जी को पहनाइए। माँ हम तय कर लिए, मठाधीश का पद भी हम नहीं संभालेंगे, हमारा बदला में मठाधीश का पद भी प्रताप को दिया जाएगा। ओम सत्यनेन्द्रो बृहस्पतिवा सत्यने पूषा। वो आदमी जो अपने बच्चे की मौत के लिए शिव को दोष दे रहा था, वो कहाँ मिलेगा? वो आज सुबह ही अपने गांव के लिए निकला है। हाँ तो कहीं भी नहीं दिख रहे वो लोग। दाई माँ, पगड़ी की रस्म पूरी होते ही आपको मठाधीश की पदवी मिल जाएगी। जाते ही निकाल दे, थोड़ी देर। ये तो छोटू है और ये जिंदा है।